आज का जो ब्लॉग में आप लोगों के सबको स्वागत है गाइस। तो आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है बहुत ही काफ़ी अच्छा है, मंदिर का एक ब्लॉग है और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये हो गया आपका, ना ये कोई मतलब तवांग का है ना कोई मतलब सिक्किम या कुछ, तो ये आपका मिलेगा, ये रंगापाड़ा का बुद्धेश्वर मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको दिखाऊँगा मैं कैसा है क्या है इसमें सब कुछ। तो वेलकम बैक टू गाइस माय। तो ये हो गया आपका यहाँ से, अभी ये भैया से अभी पूछूंगा मैं, तो भैया ने बोला है सामने ही है, तो चलिए देखते हैं। ठाकुरबाड़ी मतलब बोला है मतलब, तो रेल गेट का सामने, तो रेल गेट अभी मैं पहुँचने वाला हूँ मैं। और ये जो मार्केट हो गया रंगापाड़ा का, काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे। तो आपका थोड़ा आगे में आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा जो रंगापाड़ा का स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन से एक गेट है, और ये फाइनली इधर से मतलब ये हो गया ठाकुरबाड़ी बागान का रास्ता जो मैं इधर से, और इधर में सामने बजरंगबली का मंदिर भी है, तो काफ़ी अच्छा ही है मंदिर है कि नहीं, तो अच्छा ही लगा हमको। तो यही रोड हो गया जाने वाला, अभी चलिए देखते हैं कहाँ पर है ये बुद्धेश्वर मंदिर। तो मुझे नहीं लग रहा, काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका हूं मैं, और फाइनली मैं अभी बुद्धेश्वर मंदिर पहुंच गया हूं गाइस। तो यहां में जो मंदिर का जो सीन है बाहर से कुछ अलग लग रहा है, मतलब कुछ काफ़ी खूबसूरत है ना, है कि नहीं। तो अभी यहां जो अंदर में जाऊंगा मैं, जाके दिखाऊंगा मैं मंदिर का जो भीतर का जो आपका सीन सब मिलेगा। चलिए, और यहाँ में थोड़ा डॉग से मतलब सावधान, मतलब तो यहाँ 5 बजे के बाद डॉग भी खोल देता है मतलब। तो मैं मंदिर का जो अंदर चला गया हूँ मैं, ये मंदिर का जो गेट है बुद्धेश्वर मंदिर का, तो यहाँ देख सकते हो ना आप, इतना सुकून है यहाँ पे, बोल सकते हो काफ़ी सुकून है। और आइए आप लोग भी आके एक बार देखिए कैसा है, हम लोग को तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आने के लिए मैं और अनिल जो मेरा फ्रेंड है, तो अनिल का साथ ही आया हूँ मैं। हम लोग बहुत दिन से मतलब प्लानिंग कर रहा था, मैं आऊँगा आऊँगा बोल के, तो अचानक हमको टाइम मिल गया और मैं उस टाइम के हिसाब से आ गया हूँ मैं। और यहाँ में साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, तो काफ़ी साफ सफाई का भी यहाँ ध्यान देता है, और काफ़ी मतलब देखिए आप देखा ना कैसा लगा रहता है मतलब लोग यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ही है, अच्छा लगा देख के। और ये शायद इसमें आपका घी बत्ती कुछ चलाने का वो है, और आप लोग देख देखिए यहाँ पे कितना मैंने क्या सीन है ना। और शायद ये मंदिर है, और यहाँ पे अभी पानी दे दे रहे हैं लोग, और
ये हो गया शायद आपको यहाँ पे जो यहाँ का जो हॉस्टल होगा शायद मैंने रहने का जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मतलब गर्ल्स हॉस्टल शायद ऐसा कुछ, तो यहाँ पे रहने का भी उन लोगों को सुविधा है और कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे, काम भी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये हॉस्टल शायद हॉस्टल टाइप का ही है ये रहने का। और यहाँ पे जो लुक है ना, देखिए आप क्या लुक बोल सकते हो ना, है कि नहीं, तो काफ़ी खूबसूरत है मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये कोई आपका बाहर का, यहाँ पे कुछ आप खरीद भी सकते हो जो चाहिए आपको, मतलब यहाँ जो मिलता है मतलब। तो ये हो गया आपका हॉस्टल हो गया यहाँ का रहने के लिए। और ये मंदिर का जो छोटा मोटा एक सीन है कि नहीं, और मंदिर में आपको दिखाऊंगा मैं मंदिर का जो भीतर का जो सीन है। तो अब मंदिर ही है और मैं यहाँ पे जाऊंगा जाके आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है इसमें, है कि नहीं। और जो गाइस जो नया है वीडियो को, अगर सच में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हो सके तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मतलब कितना सुकून मिलेगा आपको आने से। तो अभी मैं मंदिर में पहुँच चुका हूँ, मैं ये गेट हो गया तो आप लोग भीतर का जो सीन है गाइस देखिए कसम से आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब ये कहीं बाहर का भी सीन नहीं है ना, मैं आगे भी बोला हूँ आपको। तो ये रंगापाड़ा का सिद्धेश्वर मंदिर का जो सीन है, पानिया का जो सामान है मतलब देखिए कुछ कुछ है मुझे उतना नहीं पता है अच्छा से, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखिए। और हो सके तो आइए एक बार, और टाइम तो किसी के पास होता नहीं है गाइस, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है। और आपको भी अगर कभी ऐसा टाइम मिल जाएगा वक्त मिल जाएगा तो एक बार आके देखिए कैसा है। और इतना मैं बोल सकूंगा दावत के साथ में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे आके। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को देख के, तो आइए आके देखिए कैसा है कि नहीं।